हर हफ्ते फिल्में होती हैं रिलीज, कई करती हैं अच्छी कमाई और कई होती हैं फ्लॉप। इस हफ्ते की बड़ी रिलीज फिल्म है क्रू। जानते हैं फिल्म के बारे में कैसी रही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म और कितनी की कमाई। नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं प्रातः दर्शन। पार्ले जी, खाने के पैसे नहीं और आप लोग सोने के बिस्किट चबा रहे हैं, तो हमारा घर भी चलवा दो सर। कर लोगे ना? जानते हैं फिल्म क्रू के बारे। क्रू फिल्म राजेश कृष्णन निर्देशित फिल्म है। इस फिल्म के निर्माण एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित द्वारा बालाजी मोशन पिक्चर्स और अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत किया गया है। करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म है क्रू। फिल्म के सहायक कलाकार हैं दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा। क्रू जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल कर रही है, इस साल की तीसरी फिल्म है जो सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। इस फिल्म में दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिलने के बाद इस फिल्म में अच्छी खासी कमाई की। कमाई की बात करें तो सैकनिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक क्रू ने ओपनिंग डे पर 10.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड इसका ग्रॉस कलेक्शन 20.7 करोड़ रुपए का रहा। सिनेमा घरों में हिंदी भाषा में इस फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 26.34% रही। इसी के साथ क्रू साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। फिल्म की कहानी क्या है? वैसे तो सिनेमाघरों में जाकर ही फिल्म का असली मजा लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब फिल्म के बारे में इतना बता ही दिया है तो जान लेते हैं कि आखिर फिल्म की स्टोरी क्या है। पार्ले जी, खाने के पैसे नहीं और आप लोग सोने के बिस्किट चबा रहे हैं, तो हमारा घर भी चलवा दो सर। कर लोगे ना? ये फिल्म फीमेल लीड से तीन दोस्तों की कहानी है जो कि एयर होस्टेज है, जो कि कोहिनूर एयरलाइंस में केबिन क्रू के तौर पर काम करती हैं। तीनों ही मेहनती हैं। फिर अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अच्छी खासी शांतिपूर्ण चल रही लाइफ में तब बदलाव आता है जब वे तीनों एक व्यक्ति द्वारा क्रिएट की गई परिस्थिति में फंस जाती है, जो कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष होता है जिससे तीनों आजाद होने की बेताब कोशिश करती है। फिल्म की पूरी कहानी इसी ट्विस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें क्राइम के साथ कॉमेडी भी है। फिल्म का संगीत दिलजीत दोसांझ, बादशाह राज, रणछोड़, विशाल मिश्रा, अक्षय आईटी, भार्ग रोहित ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी ने किया है। फिल्म का संगीत औसम है। कुछ गाने को रीमेक किया गया है जो कि घाघरा इलारून के राजस्थानी ट्रैक दिल्ली शहर में मारो घाघरा जो घूमियो रीमेक का संस्करण है। वहीं चोली के पीछे क्या है 1993 की फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक और अरुण ने गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और आनंद बख्शी ने लिखा है। गाना बहुत ही औसम है, म्यूजिक ट्रैक के साथ बनाया गया है जो कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। बाकी तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म कैसी रही। फिल्म अगर नहीं देखी तो जाइए और फिल्म देखिए। मैं भी फिल्म देखने जाती हूँ। फिलहाल मेरा शो से जाने का वक्त हो गया है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पार्ले जी, खाने के पैसे नहीं और आप लोग सोने के बिस्किट चबा रहे हैं, तो हमारा घर भी चलवा दो सर। कर लोगे ना?